हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ रागनी शर्मा और आज मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ इलेक्ट्रिक मशीन चलाने का तरीका। इलेक्ट्रिक मशीन कैसे चलाए जाते हैं, उस पर सिलाई कैसे किए जाते हैं, पिको कैसे किए जाते हैं और डिजाइनिंग कैसे किए जाते हैं, ये सब सारी चीज़ें इस मशीन के द्वारा किया जाता है। तो आज मैं आप लोग को बताती हूँ कि इसको कैसे चलाया जाता है। चलिए हम चलाने सीखें। ये धागा है, पहले मैं धागा लपेटूंगी। ये मेरा बॉबिन है, ये मेरा बॉबिन है। इसमें मैं फंसा दूंगी। ये देखिए इसमें, उसके बाद यहाँ इसे पुश कर देना है। एक्सीलेटर है, इसके द्वारा हम मशीन चलाएंगे। ये पलक है जो कि यहाँ साइड में दिया हुआ है, इसे लगा देंगे। और यहाँ साइड में ये देखिए, यहाँ पर साइड में स्विच दिया हुआ है ऑन और ऑफ करने के लिए। इसी से हम मशीन को ऑन और ऑफ करेंगे और इस पे जब प्रेशर देंगे तो मेरा मशीन चलेगा। तो पहले हम मशीन में धागा लपेटते हैं। धागा कैसे लपेटा जाता है वो देखिए आप। को लगा बताती हूँ कि धागा कैसे लगाया जाता है। ये देखिए, यहाँ पुश करेंगे ये खुल जाएगा। यहाँ पर मेरा बॉबिन केस दिया हुआ है, इसमें हम बॉबिन केस लगा देंगे इस तरीके से। अब यहाँ हम धागा लगाएंगे। ये देखिए, यहाँ ये दिया हुआ है, यहाँ एरो दिया हुआ है, यहाँ भी दिया हुआ है। इसे इसमें घुसाएंगे, फिर ऐसे लेकर के आएंगे, फिर इसमें फंसा लेंगे। ये देखिए, यहाँ मेरा सब चीज़ दिया हुआ है कि कैसे किस नंबर पे क्या चलेगा, वो सारी चीज़ दिए हुए हैं। तो जैसे कि हम 3 पे लिए और यहाँ 0 पे, ये मेरा सिलाई का है। यहाँ पे सारा चीज़ दिया हुआ है, जिस पे भी आपको चलाना हो आप यहाँ सेट कर सकते हो और उसके बाद मशीन चलाइए। तो अभी हम 3 और 0 पर सेट किए हैं, ये सिलाई के लिए है। अब मैं आपको सिलाई करके दिखाती हूँ। देखिए मेरा सिलाई मशीन सिलाई हो गया। इस पे और भी चीज़ें हैं, जैसे कि हम लोग जिगजैग करते हैं तो जिगजैग के लिए हम 2 पे ले लेंगे और 4 पे ले लेंगे। इसी कपड़े पे हम आपको बता रहे हैं कि जिगजैग कैसे होता है और इस चीज़ को घुमाना ना भूलें, सही जगह पे अपना सेट होना चाहिए। आप इसे बड़ा छोटा जैसे भी हो आप कर सकते हो। ये देखिए, ये मेरा जिगजैग। अब हम आपको बताते हैं पिको कैसे किया जाता है। तो उसके लिए हमें ये चाप को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये सिलाई वाला चाप है। इसे यहाँ से पुश कीजिए, आपको ये पिको का चाप है, हो गया। जिस नंबर पे हम जिगजैग किए उसी नंबर पे पिको किया जाता है। तो आइए पिको करना हम सिखाते हैं। पिको के लिए ये कपड़े को अंदर घुसाइए, ये धागा को पकड़ लीजिए और ये कपड़ा को हल्का सा इस तरीके से फोल्ड कर दीजिए। कपड़ा अपने आप मूव के जाएगा, बस आपको पकड़ना है।
किसी भी चीज़ पे पिको कर सकते हैं, जैसे कि हम जिगजैग आप लोग को बता, तो जिगजैग के लिए हमें कोई भी चीज़, जैसे कि ये देखिए हम पहले से तैयार करके रखे हैं, तो इस पे जैसे कि हमको कुशन बनाना है, इससे जो भी फूल हो आप कटिंग करके लगा सकते हो और किनारे किनारे जिगजैग कर सकते हो कोई भी डिज़ाइन में, तो बहुत सुंदर हम लोग डिज़ाइन इससे बना सकते हैं, जो भी डिज़ाइन चाहें वो कर सकते हैं। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर अगले वीडियो में मैं और चीज़ बताऊंगी आप लोगों को कैसे किया जाता है, तब तक के लिए धन्यवाद।